नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IAS पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल तक जो है हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा हुआ था, आज जो है हम लोग पढ़ेंगे मृदाओं का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? मृदाओं का वर्गीकरण। इसके बारे में आज जो है हम लोग अच्छे से अपना डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। क्यों आज? मतलब देखिए कि ये जो है मृदाओं का वर्गीकरण बहुत इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में इससे अधिक से अधिक प्रश्न बनते हैं, इसको आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। और आप लोगों को एक अच्छी खबर बता दूं कि कल यानी कि रविवार को रात को 8 बजे अपने इसी यूट्यूब चैनल पे जो है कुणाल अग्रवाल सर, जो कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस 2019 बैच के हैं, वो लाइव आ रहे हैं। तो आप लोगों के जो क्वायरी क्वेश्चन जो भी हो लाइव में आप सेशन में पूछ सकते हैं, वो आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे, आपको पढ़ाई कैसे करनी सारी तरीके से बताएंगे। अभी उस दिन जो है IPS अजय सर आए थे, वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से बताए। फिर से कुणाल अग्रवाल सर आ रहे हैं, वो भी आपको अच्छी तरह से बताएंगे। तो आप लोग जो है उनका लाइव सेशन ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और हाँ, अपने सारे दोस्तों को भी बता दीजिएगा कि जो है IRS कुणाल अग्रवाल सर आ रहे हैं, वो आपको अच्छी गाइडेंस और सारी चीज़ें प्रॉपर प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। चलिए अब आज की क्लास को हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। बताना मत भूलना कि लाइव सेशन जुड़ने से सारे दोस्तों को जरूर बताना, ठीक है। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच, भूम आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। मतलब कि भारत में कोई एक प्रकार का उच्चावच और सारी चीज़ एक प्रकार की, अनेक प्रकार की पाई जाती हैं। फिर वो भू आकृतियाँ हों, जलवायु हों और वनस्पति कुछ भी हो, वह अनेक प्रकार, इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं। जब वनस्पति सारी चीज़ें अनेक प्रकार की पाई जाती, तो मृदाएं जो है इनकी वजह से अनेक प्रकार की मृदाएं जो हैं वो विकसित हुई हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं जलोढ़ मृदा, मृदाएं में एक आता है जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा को देखते हैं। जलोढ़ मृदाओं से जो प्रश्न बनेंगे आज के बाद आपका छूटने वाले नहीं है जलोढ़ मृदा से, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा जलोढ़ मृदा को। चलो हम लोग अब देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है। मतलब कि यह जो है विस्तृत रूप से, यह मृदा क्या है, यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है, ठीक है। यह देश के महत्वपूर्ण मृदा, मतलब कि जो ये जलोढ़ मृदा है, यह देश की ऐसी तैसी मृदा नहीं, देश की बहुत महत्वपूर्ण मृदा है, ठीक है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। मतलब कि जो उत्तरी मैदान है संपूर्ण, वो किससे बना हुआ है? तो वो बना हुआ है जलोढ़ मृदा से। किससे? जलोढ़ मृदा से बना हुआ है उत्तरी मैदान। यह मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए हैं। मतलब कि यह मृदा जो है हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए हैं, ठीक है। तो ये मृदाएं कहाँ से आई हैं? हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियों से आई हुई हैं। तो याद रखना, जलोढ़ मृदा कहाँ से आई हुई? जलोढ़ मृदा जो है हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियों से आई है, जिसका नाम है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इन 3 नदियों से आई हुई है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक मैप हमको मिल रहा है, ये जो बताएगा मृदाओं के प्रकार बताएगा। किस कौन से देश के मृदाओं के प्रकार बताएगा? तो बताएगा भारत के मृदाओं के प्रकार। किसके बारे में बताएगा? भारत के मृदाओं के प्रकार, इसके बारे में हमको आज ये जो है मैप बताने वाला है, ठीक है। तो अब देख सकते हैं हम लोग पाकिस्तान, नेपाल, मतलब देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमको ये दिया समझने के लिए हमारे, जैसे कि पर्वत और वन, तो इस तरह से जहाँ पे बना हुआ है वहाँ पे पर्वत और वन की मृदाएं पाई। इस तरह से कहाँ कहाँ बना हुआ है देख लेते हैं हम लोग। हाँ, तो इस तरह से देख सकते हैं हम लोग बना हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश साइड में ऐसे बना हुआ है। फिर आगे देख सकते हैं नेक्स्ट हम लोग, जम्मू कश्मीर साइड में ऐसे बना हुआ है।
ना, तो जहां जहां ये इस टाइप का बना हुआ है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है दोस्तों जो है पर्वत और वन मृदा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा बहुत बृहद मात्रा में पाई जाती है देश में, तो देख सकते हैं कि जलोढ़ मृदा कहाँ कहाँ पे है। यहाँ पे जलोढ़ मृदा जो इस तरह का आइकन बना हुआ है, ये वाला इस तरह के आइकन, मतलब इस तरह की जगह पे जलोढ़ मृदा पाई जा सकती है। तो ये देखिए, ये यहाँ सब देखिए जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है। यहाँ पे सारी जगह देख सकते हैं जलोढ़ मृदा जो है पाई जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश वगैरह साइड में आप देख सकते हैं लाल और पीली, लाल और पीली इस तरह का जहाँ चिन्ह बना है वहाँ, मतलब लाल पीली। तो यहाँ पे देखिए उड़ीसा वगैरह साइड में हम लोग देख सकते हैं कि लाल और पीली मृदा पाई जाती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश वगैरह में देख सकते हैं तो लाल पीली मृदा जो है पाई जाती है कहीं कहीं, मतलब जहाँ छोटे छोटे दिए गए हैं वहाँ पे दूसरी मृदा है। काली मृदा, तो जहाँ पे काला, मतलब ये देखिए ये यहाँ सब जगह काली मृदा पाई जाती है। गुजरात वगैरह साइड में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो काली मृदा पाई जाती है। अब लेटेराइट, ठीक है, दरअसल ये बुक जो है ब्लैक एंड व्हाइट में है पीडीएफ, इस वजह से मतलब कलर सारे एक जैसे हो गए, तो आप लोगों की बुक जो होंगे वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होंगे, ये पीडीएफ है इस वजह से ये ब्लैक एंड व्हाइट है, तो आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं उस अकॉर्डिंग अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। अब निक्षेपों से बनी है कौन सी जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा की बात कर रहे हैं, निक्षेपों से बनी है एक सकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली हैं। मतलब कि ये मृदाएं जो हैं जलोढ़ वाली, ये राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई हैं। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टों भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। मतलब कि यह जो जलोढ़ मृदा है वह सकरे गलियारे के द्वारा राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है ना। लेकिन ये पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग जलोढ़ मृदा में रेत, जलोढ़ मृदा में रेत सिल्ट मृतिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जो जलोढ़ मृदा है इसमें रेत सिल्ट मृतिका के विभिन्न अनुपात क्या हैं वो पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी के ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। मतलब कि जो है जैसे हम नदी के मुहाने की घाटी हो जाते हैं, मृदा के कणों का आकार जो है, मतलब जलोढ़ मृदा के कण बढ़ता चला जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग जैसे कि ढाल भृंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों द्वारा चो चो क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। मतलब कि कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान जो है उनकी आयु से भी होती है। जलवायु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं दो प्रकार की होती हैं। मतलब कि जलवायु के आधार पर जो है जलोढ़ की मृदाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो जलोढ़ की मृदाएं दो प्रकार की होती हैं। पुराना जलोढ़ जिसको बांगर, और नया जलोढ़ जिसको खादर कहा जाता है। बांगर खादर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो बांगर जो पुराना जलोढ़ होता है उसको बांगर कहा जाता है, और जो नया जलोढ़ होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको खादर कहा जाता है। ठीक
ठीक है, मतलब जो पुराना जलोढ़ होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको बांगर कहते हैं, और जो नया जलोढ़ होता है उसको खादर कहते हैं। तो परीक्षाओं में ऐसे पूछ सकता है कि बांगर किसे कहते हैं, तो विकल्प में रहेगा पुराना जलोढ़, नया जलोढ़, या फिर दो विकल्प और कोई रहेंगे। तो अगर आप बांगर रहे तो पुराने जलोढ़ पे सही टिक लगा देंगे और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, और अगर नया जलोढ़ है मतलब खादर का आता है तो आप टिक तुरंत नया जलोढ़ पे लगा देना, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है, मतलब कि बांगर जो मृदा है उसमें कंकर ग्रंथियों की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, वो अधिक होती है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं, मतलब कि जो क्या होता है, बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियां जो होती हैं उनकी मात्रा अधिक होती है, खादर मृदा जो होती है उसमें बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं, मतलब कि खादर मृदा के अलावा जो नया जलोढ़ होता है उसमें बांगर मृदा की तुलना में महीन कण पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मृदाओं द्वारा उपजाऊ होती है, जलोढ़ जो मृदाएं होती हैं वो उपजाऊ होती हैं, अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं। जो अधिकतर जलोढ़ मृदाएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं। जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं, अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती हैं। ठीक है, तो जो जलोढ़ मृदाएं होती हैं इनको जो है, मतलब कि जैसे कि जलोढ़ मृदाएं में जो पोटास पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, चूना युक्त होती हैं जलोढ़ मृदाएं, तो इसमें जो है खेती में गन्ने, चावल, गेहूं, अन्य अनाज जो होते हैं, दलहन की फसलें जो होती हैं वो अधिक उपयुक्त बनाती है, मतलब अधिक उपजाऊ बनाती हैं, इनका जो ये पोटास फास्फोरस की मात्रा और जो चूना युक्त होते हैं इसकी वजह से। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है, मतलब कि जो अधिक उपजाऊपन के कारण है उसमें जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है, अधिक कृषि की जाती है, और यहाँ जनसंख्या घनत्व तो भी अधिक है, मतलब जहाँ जलोढ़ मृदा है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो भी जो है वो अधिक है। पिछले जो है आपको पिछले क्लास 7 की 9th की बुक में मैंने बताया हुआ था जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या के बारे में तो आप लोगों को याद ही होगा। सूखे क्षेत्रों में की मृदाएं अधिक क्षारीय होती हैं, जो सूखे क्षेत्र होते हैं उनकी मृदाएं क्या होती हैं, वो अधिक क्षारीय होती हैं। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई, इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है, मतलब कि इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जाए, मतलब समय समय पर पानी दी जाए, खाद पानी और देख रेख की जाए, कीटनाशक दवाइयाँ डाली जाएं, तो इनकी जो उपजाऊ होती है वो अधिक पैदावार इनकी बढ़ाई जा सकती है। जहाँ पे 1 किलो होने का चांस है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 1 किलो नहीं होगा और होगा, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, जहाँ 1 किलो होने का चांस है वहाँ पे अगर इनका सही समय पे देखभाल किया जाए तो 1 के बदले 1.5 किलो पैदावार की जा सकती है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग जलोढ़ मिट्टी के बारे में देखा, अब हम लोग देखेंगे जो है काली मिट्टी के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जो है देखेंगे किसके बारे में, हम लोग देखेंगे अब काली मिट्टी